अभी आप देख रहे होंगे थाली में है कच्चे टमाटर, घर के मिर्च और अखरोट। तुझको बुलाए रे मुसाफिर। तो जो ये वाला टेबल है ना, यहाँ पे भी है स्टडी करने के लिए, यहाँ पे पेन वगैरह रख रखी है। ये वाला है भाई का किचन। और कृतिका बोल रही है मैं आज 1 महीने बाद कॉलेज जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सृष्टि नेगी पार्टी स्टाइल में। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त और खुश हूँ। तो काफी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, तो ना हाथ बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, तो यही बोलते हैं हैबिट होनी चाहिए। तो आजकल शायद 7-8 दिन हो गए ब्लॉग नहीं आया, और इस बीच मैं बहुत जगह घूमने गई, जैसे कि आपने मेरे मिनी ब्लॉग्स में भी देखा होगा और सोशल मीडिया पे फोटो भी देखी होगी। तो मैं जा रखी थी पौड़ी भैया के यहाँ, और ज़्यादा टाइम मैंने वैसे ब्लॉग तो बनाया था, लेकिन आधा ही ब्लॉग बना, पूरा ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो ज़्यादा सर दर्द हो गया था, और वही पौड़ी की सड़कें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, तो ब्लॉग मैंने पूरा बनाया नहीं। और कुछ क्लिप्स मैंने बना रखी है, मैं आपको शेयर करूँगी, और जैसे कि मैंने भैया के रूम की बनाई है ना, तो कुछ ऐसा है। और अभी मैं कॉलेज के लिए रेडी भी हो चुकी हूँ। तो तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के है। अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, और आज आप देख रहे होंगे नई नई जगह है। तो आज मैं आ रखी हूँ अपने भाई के यहाँ, कल आ गई थी, तो कल का ब्लॉग तो मैं बना नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ऐसे सर दर्द होने लग गया था, तो फिर मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। तो मैं आ रही हूँ भैया और रुकिया, और अब मैं आपको थोड़ा सा रूम बताऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा घूमने चलेंगे, और मेरी छुट्टियाँ भी कम है तो मैं चले जाऊँगी कल। दोस्तों जो ये वाला टेबल है ना, यहाँ पे भैया स्टडी करते हैं, और यहाँ पे पेन वगैरह रख रखे हैं, यहाँ पे नोटबुक है, और यहाँ पे एक डॉगी भी है, देखो काफ़ी प्यारा है, और यहाँ पे बॉटल है, और रूम कुछ ऐसा है। दोस्तों अभी ना मैं किचन में आ गई हूँ, हम देखते हैं किचन में क्या क्या है, कैसी सफाई कर रखी है। तो दोस्तों जैसे मैंने किचन में एंटर करा ना, तो मैंने चारों तरफ देखा तो इतनी अच्छी सफाई कर रखी थी, सारा सिंक साफ कर रखा था, गैस साफ कर रखा था, स्लिप साफ कर रखी थी। उसके बाद मैंने ड्रॉ खोल के देखा तो यहाँ पे सारे रिजर्व सामान रख रखा था, जैसे कि प्रेशर कुकर का डब्बा हो गया, मतलब जो चाहिए जो हमको चाहिए नहीं। उसके बाद मैंने सेकेंड वाला ड्रॉ खोला तो यहाँ पर मुझे ना एग दिखे, क्योंकि भैया रोज़ खाते हैं एग। किचन देख के मेरा मन ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और बहुत ही अच्छा लगता है जब भाई लोग ऐसे सारा काम करते हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। अभी शाम के 6 भी बज गए हैं, और मैं और भैया आए हैं कंडोलिया वाली रोड पर, और यहाँ से भैया ने मुझे बहुत सारी जगह घुमाया। ऊपर हम जित गए रांची स्टेडियम है वहाँ पे, उड़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज है जन्माष्टमी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कल है जन्माष्टमी, तो हमारे यहाँ तो कल ही है जन्माष्टमी, तो आपके यहाँ कब है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं शायद घर जा भी सकती हूँ, नहीं भी, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, तो मैं आगे आपको ब्लॉग में बताती रहूँगी। और कई लोग क्या कह रहे हैं ना, लाइक कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो ऐसे मुझे मोटिवेट नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आप शेयर करिएगा, है ना। तो आप जल्दी से चलते हैं कॉलेज की तरफ, और मिलते हैं आपको। अरे पिजोरे अभी ना हम कॉलेज के गेट पर भी पहुंचने वाले हैं, और यहाँ से मेरे साथ कृतिका और शिवानी भी ज्वाइन हो गए हैं। और कृतिका बोल रही है मैं आज 1 महीने बाद कॉलेज जा रही हूँ। आप जल्दी से चलते हैं कॉलेज में पहुँचते ना, यहाँ सामने भी चल रही है NSUI वालों की भूख हड़ताल, और यहाँ पे ईशा और ईशा की फ्रेंड फिर से मिल गए हैं, और अभी क्लास का टाइम तो वानी, तो सारे ऐसे बैठ रखे हैं। अभी ना हमारी 3 क्लासेस हो गई हैं, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की, इसके बाद हमारा है जूलॉजी का प्रैक्टिकल, तो इसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल के लिए, और मिलते हैं आपको, ठीक है, बाय। अभी यहाँ पे सारे बच्चे प्रैक्टिकल के लिए रुके हुए हैं, अब हम यहाँ पे भेट। तो अभी 1 भी बज गए हैं, क्लासेस खत्म होने के बाद हमारा हो रहा था प्रैक्टिकल, तो आज हमने अपना ब्लड सैंपल टेस्ट करा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है,
तो जो हमारा ब्लड ग्रुप था, मेरा ब्लड ग्रुप था, वो था बी पॉजिटिव। और इसके बाद अभी टाइम 1 बज गए हैं, तो अभी जल्दी से घर भी जाना है और ऐसे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं घर पर भी पहुंच गई हूं और आंटी जी यहां पे कर रहे हैं गुडाई, और यहां पे लगा रहे हैं आंटी जी राई, जो कि हर एक सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी होती है खाने में, और ख़ास करके अगर घर की सब्ज़ी हो, अपनी ऑर्गेनिक हो, तो बात ही कुछ और है। और आंटी जी काफ़ी अच्छी हैं व्यवहार की, हमारे मकान मालिक हैं, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई आंटी जी। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे थाली में है कच्चे टमाटर, घर के मिर्च और अखरोट, ये भी घर के अखरोट हैं, और साथ में है मुंगरी और ककड़ी। तो ये सारी चीजें ना घर से आ रखी हैं। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़। वैसे ना हमारी 3 क्लासेस होती हैं, जूलॉजी की, बॉटनी की और केमिस्ट्री की, लेकिन आज हमारा प्रैक्टिकल भी था, तो इसलिए हमारी वैसे छुट्टी 12:30 बजे हो जाती है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि प्रैक्टिकल भी था। 1 बजे तक हमने प्रैक्टिकल करा, और अभी आप देख रहे होंगे फिर से मैं निकल गई हूँ गंगानगर की पुल की तरफ, और आज मैं जा रही हूँ गुप्तकाशी, और अब जल्दी से चलते हैं आगे पे और गाड़ी लेते हैं। अभी ना मुझे आसपास भी मिल गए हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ। लाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए। तो दोस्तों सफर में आगे बढ़ते ही मैं पहुंच गई थी कुंड के पुल में, और यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक लग रखा था क्योंकि आजकल केदारनाथ यात्रा भी स्टार्ट हो गई और टूरिस्ट लोग भी काफी थे, और साथ में यहाँ नीचे मजदूर लोग काम कर ही रहे थे, रोड कभी टूट रही है कभी कुछ। और यहाँ सामने पे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा गांव, यहाँ पे इतने सारे केले लग रखे थे, तो मैंने वीडियो में ये भी रिकॉर्ड कर दिया। और फिर आगे बढ़ते ही थोड़ा देर हम चले ही थे, 5-10 मिनट, तो फिर से जाम लग गया, और ऐसे आजकल इतनी बड़ी बड़ी बसें आ रही हैं यात्रा की, और रोड हो गई छोटी। तो मैं घर पर पहुँच गई थी 3 बजे, और अभी रात के बज रहे हैं 10। अभी मैंने डिनर भी कर दिया है, और आज ना घर में आके ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक बात बोलना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, कॉलेज लाइफ में ना बस पढ़ना नहीं होता है, कॉलेज लाइफ ना हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि हम जब पहले स्कूल में रहते थे, अभी बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है क्योंकि मैं भाग भाग के वेट। तो जो कॉलेज लाइफ होती है ना, तो बहुत कुछ सिखाती है। जैसे पहले जब हम स्कूल में रहते थे ना, तो सब कुछ मम्मी पापा करते थे, खाना पीना मम्मी टाइम से देते थे, और सारे जितने भी खर्चे होते हैं ना, किसके साथ कैसे रहना, तो सब कुछ मम्मी डील कर लेते थे। अब क्या होता है कि हम अकेला रहते हैं, हमें सब कुछ देखना पड़ता है, सुबह क्या बनाए, दिन में क्या बनाए, रात में क्या बनाए, हमको किसके साथ कैसी बातें करनी है, हम जिस जगह पे रहना है मकान मालिक के साथ कैसे रहना है, या फिर औरों के साथ कैसे रहना है। तो हमें अपने खर्चे मैनेज करने होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमें पैसे दिए गए हैं मम्मी पापा से, हमें सीमित खर्चा दिया जाता है कि इतने में हमने महीना पूरा काटना है ना। ऐसे ही सबके साथ ऐसे ही होता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए जिन्होंने भी कॉलेज लाइफ देखी है। तो मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो कॉलेज लाइफ में अकेला रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये बातें मैंने अभी तो सिर्फ 2 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस है ये मैंने जाना है। तो कुछ ऐसा है दोस्तों, अकेला रहना भी आसान नहीं है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो कि मैंने फील करा इन 2 मंथ में। और घर आके तो ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, और घर में इतने सारे चेंजेस आ गए हैं ना मेरे जाने के बाद 2 महीने में। और इस ब्लॉग में ना ऐसे बने रहे, मैं आपको बताऊंगी हमारे घर में ना इतने सारे चेंजेस आ रखे हैं ना, और पता नहीं कुछ फंक्शन है या क्या है, मैं आपको इस कल के ब्लॉग में बताऊंगी। और ब्लॉग को ऐसे कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करते हैं, और ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों ने अभी तक भी ब्लॉग को ना सब्सक्राइब नहीं कराया ना, जल्दी से आप मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा। मैं सृष्टि नेगी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री केदार।